मॉर्निंग किड्स, लेट्स स्टार्ट विद योर नाइन्थ लेसन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया के अगले टॉपिक्स, जिसका नाम है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब अगर हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सो द सेम इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन, सेकेंड वन इज प्राइवेटाइजेशन एंड थर्ड वन इज ग्लोबलाइजेशन। चलिए, अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में स्टार्ट की गई, उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर क्या था, उसके तीन मेन कंपोनेंट्स थे, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर मैं बात करती हूँ किसी चीज को लिबरलाइज करने की, लिबरलाइज का मतलब हो जाता है फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन, सो लिबरलाइजेशन मींस फ्री फ्रॉम ट्रेड बैरियर्स, मींस टू रिमूवल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर्स। हर तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को वी कैन से हटा देना है या वी कैन से रिमूव कर देना है, उस चीज को हम बोल देंगे लिबरलाइजेशन। चलिए अगला देखते हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन हो जाता है कि पब्लिक सेक्टर की तरफ से, फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट, मतलब कि जितने भी एंटरप्राइजेस, जितने भी बिजनेसेस पब्लिक सेक्टर्स की तरफ है, उन सभी को चेंज करके या उन सभी को मर्ज करके प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करना है या मर्जअप करना है। एंड लास्ट वन इज ग्लोबलाइजेशन, टू मेक द प्रोडक्ट फेमस थ्रू आउट द ग्लोब। इसमें क्या करना है कि एक पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर चीज को क्या करना है कि पूरी ग्लोब, मतलब पूरी दुनिया में वर्ल्ड फेमस करना है या उसका गुडविल मार्केट में इतना बना देना है। तो ये तो हो जाते हैं मेरे तीन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम लोग एक काम ये करेंगे कि पहले हम लोग लिबरलाइजेशन को डिटेल में देख लेते हैं, देन आफ्टर दैट प्राइवेटाइजेशन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्लोबलाइजेशन। चलिए वन बाई वन करके स्टार्ट करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ये तीनों जो कंपोनेंट्स है, इसके अंदर एग्जैक्टली लिबरलाइजेशन में क्या हो जाता है, प्राइवेटाइजेशन में और वी कैन से ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद लिबरलाइजेशन। द ए वन इज लिबरलाइजेशन। नाउ वन थिंग गाइस, कम ऑन पेज नंबर 58। Liberalization refers to economic freedom or freedom of economic decisions. It means producers, consumers and owners of factors of production are free to take decision to promote their self-interest. Adam Smith in his book Wealth of Nations suggested that economic liberalization is the best economic policy to promote economic growth and well-being of people. Yes guys, अगर मैं बात करती हूँ लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोग बात करते हैं लिबरलाइजेशन की, तो लिबरलाइजेशन किसी भी कंट्री की या किसी भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बहुत ही अहम भूमिका या एक अहम रोल प्ले करती है। नाउ हाउ, क्योंकि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ बैरियर्स। इसका मतलब होता है कि जो भी बैरियर्स है, रुकावटें हैं या वी कैन से बीच में आने वाले जो भी वी कैन से अड़थड़े हैं, उन सारी चीजों को ये हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल, लिबरलाइजेशन के अंदर ट्रेड बैरियर्स को दूर किया जाता है। जैसे इंडिया में एक चीज बन रही है, वो जब तक बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं होगी, तब तक उस चीज का मार्केट का लेवल और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा या वो पर्टिकुलर चीज पूरी दुनिया में फेमस नहीं होगी। अब एक चीज अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, प्लस उसका सेलिंग एब्रॉड कंट्रीज में या वी कैन से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अगर होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उस कंट्री का प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, फेमस हो रहा है, और इससे उस पर्टिकुलर कंट्री की या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत हद तक के या बहुत अच्छे से हो जाती है। इसलिए लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना,
Now I'll explain in English. Liberalization plays very important role, guys, in growth and development of any type of country, yeah, any type of product, any kind of product, we can say. Now, exactly, if we talk about the meaning of liberalization, so the meaning of liberalization means removal of trade barriers between two or more countries. For example, कि कोई चीज इंडिया में बन रही है और इंडिया के इंडिया में ही उसी का सेल है तो उसकी ग्रोथ बहुत कम होगी. लेकिन अगर एक चीज इंडिया में बन रही है और उसे आप एब्रॉड कंट्रीज में बेचते हो क्योंकि आपको किसी भी प्रकार की रुकावटें या बैरियर नहीं है, उसे आप दूसरी कंट्रीज में बेच पाते हो तो क्या होगा, आपकी जो भी पर्टिकुलर कंट्री है या आपका जो प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ फटाफट फटाफट या रैपिडली होना स्टार्ट हो जाता है. चलिए, ये तो थी मेरी कुछ वी कैन से मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन. आइए एग्जैक्ट देखते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन, मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन. चलिए देखते हैं कि लिबरलाइजेशन का मतलब तो हमने देख लिया कि टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स. नाउ एग्जैक्टली विल टॉक अबाउट कि व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट फॉर लिबरलाइजेशन, मींस ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करने और हटाने के लिए कौन से फैसिलिटीज या कौन से वेज चूज किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से. चलिए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट. चलिए देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट के अंदर क्या आता है. अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन कमर्शियल बैंक हैव द फ्रीडम टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अगर मैं बात करती हूं फ्लेक्सिबिलिटी की, डिमांड एंड सप्लाई. ओके गाइस, एज आई टोल्ड यू दैट लिबरलाइजेशन मीन्स टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन two or more countries and demand and supply plays very important role in growth and development of any type of country or any type of business. So if we talk about liberalization, so the first measure taken over by the government was flexibility of interest rate. Flexibility of interest rate kya rahega ki yahan pe jo interest rate charge kiya jayega ya jo apply kiya jayega wo kaisa hoga bachcho, flexible, wo har ek ke liye suitable rahega, ओके रहेगा या वीकेंड से इससे किसी को ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी. ये हो जाता है सबसे पहला मेजर वीकेंड से जिसका जिसके अंदर आ जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट की डिमांड हो सप्लाई हो, क्योंकि यहाँ पे आप सारे बैरियर्स को रिमूव कर रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसा होना चाहिए, हर किसी को सूट होने के जैसा होना चाहिए या हर किसी के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं. Freedom for expansion of industry. Freedom for expansion of industry. चलिए देखते हैं कि अगला मेजर क्या हो जाता है इसका फिर. In this new liberalized area, the industries are free to diversify their production capacity and reduce the cost of production. Earlier, government used to fix maximum limit of production capacity. No industry could produce beyond that limit. Now the industries are free to decide their own production. Yes, guys, just because of liberalization, now what happened? Each we can say industry can decide, yeah, each industry can we can say produce the goods and services as per their choice, as per their demand. Yeah, we can say उसका जो एक diversify का production की capacity और volume जितनी है ये भी पहले government तय किया करती थी. बट नाउ अडेज क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन सारे बैरियर्स अब रिमूव हो चुके हैं. अब क्या है, हर एक कंट्री या हर एक इंडस्ट्री कितना प्रोड्यूस करेगी, कितना सेल करेगी, कैसे उसके लिए डिसीजंस लेगी, उसकी पूरी पूरी अनुमति उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को दे दी गई है. इसमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. दिस इज द अनादर मेजर टेकर फॉर लिबरलाइजेशन, दैट इज फ्रीडम फॉर एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्री. कि जो अपनी मर्जी से जितना ज्यादा इंडस्ट्रीज को बढ़ाना चाहता है
मार्केट में एक्सपांशन करना चाहता है या जो भी डेवलपमेंट की तरफ वी कैन से कदम बढ़ाना चाहता है वो इजीली बढ़ा सकता है। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। चलिए थर्ड वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, एबॉलिशन ऑफ मोनोपोली। And restrictive trade practices। चलिए बात करते हैं कि abolition of monopolies क्या होती है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया हुआ है कि monopoly means, mono means single and poly means sale। अब abolition मतलब कि क्या? उसको finish करना, उसको गायब करना या उसका खात्मा करना। किसका? जैसे कि एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन। गाइस, एज आई टोल्ड यू दैट लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। किसी एक कंट्री से सारे ट्रेड बैरियर को हटा दिया जाता है जिसकी वजह से उस कंट्री में दूसरे दूसरे भी बहुत सारे कंट्री के प्रोडक्ट्स आते हैं या वी कैन से उनका मार्केटिंग चल रहा होता है, जिसकी वजह से किसी एक सिंगल सेलर के पीछे अब हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है कि मार्केट में किसी एक ही बंदे के पास में वो चीज है और बहुत सौ के पास में वो नहीं है। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है कि ये एक वी कैन से ग्लोब लेवल पे एक नया मार्केट स्टैब्लिश हो चुका है जिसके अंदर इन टाइप के जो मोनोपोलीज थे, सिंगल सेलर्स जो अपनी मर्जी से प्राइजेस चार्ज किया करते थे, अब ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होती है क्योंकि अब ट्रेड बैरियर्स फिनिश हो चुके हैं या वी कैन से एबॉलिश हो चुके हैं और अब हर कोई अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अपनी मर्जी से प्राइजेस चार्ज करके या कम कीमतों में प्राइजेस चार्ज करके अपनी चीजें मार्केट में बेच पाता है। द अनदर मेजर टेकन फॉर लिबरलाइजेशन वॉज एबॉलिशन ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। So, over here guys, कि जितने भी मोनोपोलीज थे यानी कि सिंगल सेलर्स थे इन सभी को अब एबॉलिश किया है, फिनिश किया गया है या गायब कर दिया गया है जिसकी वजह से अब किसी भी प्रकार के सिंगल बिजनेसमैन अब यहाँ पर नहीं है जो अपनी मर्जी से प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, रिफॉर्म्स एंड द फोर्थ वन इज रिफॉर्म्स एंड FERA। चलिए देखते हैं अभी के reforms in FERA क्या हो जाता है। To bring about flexibility in laws relating to foreign exchange regulation act। अगर मैं बात करती हूँ FERA की तो ये हो जाता है बच्चों मेरे लिए foreign exchange regulation act। चलिए देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में क्या क्या चीजें रिफॉर्म की गई है। ना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इस चीज को चेंज कर दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं फेमा। फेरा जो थी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसी को रिफॉर्म करके, चेंज करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में कन्वर्ट किया है। आइए देखते हैं, दिस वुड एनकरेज इंटरनेशनल ट्रेड। अब इसके मैनेजमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया गया है? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करती है, उसको वी कैन से हेल्प करती है या वी कैन से जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस थे उन सभी को ये बहुत ही ज्यादा वी कैन से एक सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड करती है। तो ये हो जाता है रिफॉर्म्स इन फेरा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कि फॉरेन वी कैन से जो बिजनेसमैन थे या फॉरेन ट्रांजैक्शंस जो है उनको ज्यादा करके पुश किया जाने लगा या उन्हें ही ज्यादा सपोर्ट किया जाने लगा। आइए इसी का नेक्स्ट वाला मेजर देख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, चलिए देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ओपन टू डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टर्स, दे कुड इन्वेस्ट इन रेल रोड्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स।
चलिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस. विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट या वी कैन से विल टॉक अबाउट लिबरलाइजेशन. तो ओवर हियर व्हाट हैपन ना गाइस, कि जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन नाउ इट इज वेरी इजी टू डील विद अनदर कंट्रीज, बिकॉज लिबरलाइजेशन हेल्प्स इन रिमूविंग ऑल ट्रेड बैरियर्स बिटवीन वन और मोर कंट्री. लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हो रखा है कि सारे ट्रेड बैरियर्स हट चुके हैं. अभी अब किसी एक इंडिया का, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का एक बिजनेसमैन है जो अमेरिका में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कर सकता है शेयर मार्केट में बोलिए या कहीं भी. या अगर मैं बात करती हूँ अमेरिका, अमेरिका का कोई एक बंदा इंडिया के शेयर मार्केट में या इंडिया के बिजनेसेस में पैसा लगाना चाहता है तो बट ऑफकोर्स ही कैन. इसे ही हम बोल देंगे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है कि इसकी वजह से इजीली लोग, वी कैन से इन्वेस्टमेंट एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ इन्वेस्टमेंट वी कैन से ट्रांसफर हो जाती है, या इन्वेस्टमेंट की वजह से वो लोग अपने बिजनेस लार्ज स्केल पे रन कर पाते हैं या चला पाते हैं. ये हो जाता है उसका अगला मेजर ऑफ वी कैन से लिबरलाइजेशन. चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, विच इज योर सिक्स्थ वन, एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी. चलिए देखते हैं कि एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी. लिबरलाइजेशन हैज अलाउड द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्री. दिस हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड मेक द इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव. एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज के अंदर क्या आता है कि लिबरलाइजेशन की वजह से जितनी भी अब्रॉड कंट्रीज है, अब हम सिर्फ इंडिया के साथ में डील नहीं करते या इंडिया अब अकेला नहीं है, इंडिया अब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी कंट्रीज के साथ में भी बिजनेसेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसके पास में हर एक कंट्री की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज आ जाती है, जिसकी वजह से बट ऑफ कोर्स उसका टाइम, उसकी एनर्जी और उसके पैसे सेव हो जाते हैं, जिसी की वजह से इट हेल्प्स इन एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजीज. एज आई टोल्ड यू that liberalization helps in removing trade barriers between the countries. So just because of that it is possible ki aap dusre countries ki techniques aur technologies ko bhi accept kar lete ho, apna lete ho, jiski wajah se aapka time, energy aur paise har ek cheez ki we can say bachat ho jati hai. Chaliye agla dekhte hain iska point jo ki hamara liberalization ka last point ban jata hai. The seventh one is SEBI, जिसे हम सेबी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप लोग बोलते हो सेबी, या जिसे फुल फॉर्म अगर मैं बोलना चाहूं तो हियर S स्टैंड फॉर सिक्योरिटीज, E स्टैंड फॉर एक्सचेंज, B stands for board and I stands for India. Securities and Exchange Board of India. चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है. SEBI was established on 12th April 1992. The same was established in 12th April 1992. चलिए इस चीज को कब establish किया गया या शुरू किया गया, 12th April 1992 में. This step was introduced to protect the interest of investors in securities, promote development and regulate the market securities. अगर हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर सेबी की, इसके अंदर क्या किया गया बच्चों कि ये पर्टिकुलर जो भी था इसे लॉन्च किया गया 12th अप्रैल 1992 को. इसका मेन टारगेट बोलिए या इसका मेन मकसद क्या था, इंट्रोड्यूस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. किसे प्रोटेक्ट करना था यहाँ पे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि अब लिबरलाइजेशन के थ्रू क्या हो चुका है, ट्रेड बैरियर्स पूरी तरह से निकल चुके हैं, हट चुके हैं. अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके जितना भी इंटरेस्ट है उनको पैसा इन्वेस्ट करने में मार्केट में, उन चीजों को प्रोटेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी देखरेख करना, ताकि ज्यादातर सिक्योरिटीज मार्केट में आए, एक्सचेंज हो जाए और उसी की वजह से
डेवलपमेंट और ग्रोथ होती चली जाए. तो दैट क्लियर. अगेन आई एम रिपीटिंग कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया था या स्टार्ट किया गया था 12 अप्रैल 1992 को, जिसका मेन कारण ये था बच्चों कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज के, जो पैसा वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे उनको एक प्रोटेक्शन मिले कि जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहे वो सेफ रहेगा, सही रहेगा, और जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेंगे उससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होना निश्चित है. चलिए, ये सब कुछ तो थे मेरे लिबरलाइजेशन और उसके लिए कुछ लिए हुए मेजर्स. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.